हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और मुंह वगैरह धो करके, ब्रश वगैरह करके सीधा मैं किचन में आती हूँ। किचन वैसे तो क्लीन रहती है, लेकिन जो भी सारे बर्तन मैं रात को क्लीन करके सोई थी वो सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। और घी का डब्बा बहुत दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। उसमें घी भी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया था। रात भर में सूख गया है, तो जो मैंने घी बनाया था ना वो मैं इसमें भर के रख देती हूँ। इस वाले डब्बे से मैं क्या है रोटी वगैरह में लगाती हूँ, मतलब इसको यूज़ करती रहती हूँ डेली में। और बस ये घी मैंने इस डब्बे में डाल दिया। इसकी एक छोटी सी चम्मच भी है। वैसे घी रखने वाली मेरी एक छोटी सी अलग है जिसको घंटी बोलते हैं, बट उसमें कम घी आता है, इसलिए फिर मैंने ये स्टील का डब्बा बड़ा वाला कर दिया है, क्योंकि बार बार फिर घी निकालते रहो। तो मैंने इस वाले डब्बे में रख दिया है डेली के लिए। और छोटी सी चम्मच ये घंटी की चम्मच ही थी जो मैंने इसमें डाल दी है। ये सारे काम वगैरह थोड़े बहुत करने के बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई है, दोनों के लिए ही बनाई है। इससे पहले एक एक गिलास हम लोग गर्म पानी ले चुके हैं एप्पल साइडर विनेगर के साथ। और बस यहाँ पे ये चाय जो है बन गई है, बहुत हाफ हाफ बनाई है मैंने। आपको कप कैसे लग रहे हैं ये बताइएगा। तो चाय पी ली है, और चाय वगैरह पीने के बाद मैं बहुत देर से सोच रही थी, फाइनली सोचा कि चलो यार कर ही लेते हैं। ऐसे तो डेली सोचते ही रहते हैं। ये वाला जो कवर्ड है ना, इसको मुझे साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और पता नहीं इसमें बहुत ज़्यादा सीलन भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो इसका नंबर लगा ही देते हैं, धीरे धीरे करने लग जाएंगे ना तो ऐसे काम भी होने लग जाएगा। तो इसमें सारा एक्स्ट्रा सामान रख दिया था मैंने, इसमें कपड़े वगैरह नहीं रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे फालतू सामान रखने से अच्छा है कि इसको अच्छे से यूज़ कर लिया जाए। तो बस ये सारा जो सामान है वो पहले मैं निकाल दूँगी। जो सामान मुझे फेंकना है वो फेंकने के लिए निकाल रही हूँ, कुछ सामान मुझे बैड में डालना है, और इसी तरह से इस कवर्ड को मुझे क्लीन करना है। और अगर इसमें स्पेस हो जाएगा तो और भी कुछ सामान जो है वो मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि जो साइड में आप सेंटर टेबल देख रहे हैं ना उस पर बहुत सारा सामान रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारा सामान ना मैं इसी वाले कबर्ड में रख दूँ, मतलब इतनी जगह इसमें निकल आए। और इसमें एक ड्रॉअर भी बना हुआ है, तो वो ड्रॉअर बिल्कुल खाली है, उसका भी मैं यूज़ करूँगी। तो इसको पहले मैं अच्छे से ना क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी स्मेल है इसमें। और मैंने ऊपर वाला जो निकालना था बॉक्स वगैरह, वो मैंने इनको बोला है, क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाऊँगी ऊपर। और मतलब मेरे पैर में भी चोट लगी हुई है, और क्यों लगी है चोट अभी आपको पता चलेगा। तो मैंने इनको बोला कि आप ही निकाल दो, तो बस ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बहुत सामान ऊपर जो रखा है उसको निकाल देंगे, और ऊपर वाले रैक को ना साफ़ भी कर देंगे। तो बस इसी तरह से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। और इसी में वो एक्स्ट्रा सामान रहता है सारा, जैसे किचन का, वॉशरूम का, जितने भी सोप हो गए हैं, शैम्पू हो गए हैं, विम जेल वगैरह, ये सारा सामान इसी में ही रखा हुआ है। तो इसको भी मैं बाहर निकाल दूँगी, और पूरी कवर्ड को अच्छे से क्लीन करूँगी। पहले सूखे कपड़े से किया, उसके बाद फिर गीले कपड़े से किया, और फिर मैंने इसको अच्छे से सुखाया, उसके बाद इसमें सामान मैंने रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज सैटरडे है, 19 सितंबर है आज। और जैसा कि आप ब्लॉग में देख चुके हो, अंजलि को लग गई थी, लेकिन अंजलि फिर भी नहीं मान रही है। एक तरह से मतलब बच गई, कल बहुत ज़्यादा गिर गई, और मेरे को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, अब तो पैर टूट गया इसका, लेकिन पैर टूट गया लेकिन मान नहीं रही है, काम में लग गई सुबह से ही। तो कुछ सफाई वफाई का काम चल रहा है, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, तो है ना, एक एक से सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी। फिलहाल अभी से करना होता है, तो अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है। अभी ये वाला कबर्ड साफ कर रहे हैं, देखो ये पास वाला दिख रहा है आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? तबीयत कुछ नहीं, मत पूछो, बहुत तेज में दर्द हो रहा है पैर में। ये वाले पैर में चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है और यहाँ चोट लगी है, सिर में दो जगह है, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह गिरी थी, ऐसे गिरी थी ऐसे करके। सिलेंडर रखा हुआ था इनके स्टडी रूम में,
सिलेंडर में कैसे गिर गई इन्होंने? ये जो चेयर है ना ये टूट गई है, ये जो चेयर है ना। ये तो लेकिन ये तो पता हुआ था कि ये चेयर, अरे तो ये नहीं पता था ना कि कौन सी चेयर टूटी। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैंने सोचा कि कल मैंने आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं 7 या 8 बजे तक कर देती हूँ, तो उसी की जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर कर रही थी और मैं आगे इस वाले रूम में बैठी और फटाक से ऐसे गिर गई। तो पीछे सिलेंडर रखा था उससे मेरी एक जहाँ चोट लग गई, चेयर से यहाँ लग गई और चेयर से ही मुझे यहाँ भी लग गई, बहुत लगी। लेकिन पता है ध्यान से काम करना चाहिए हमेशा, ऐसे ध्यान नहीं भूलना चाहिए कि कौन सी टूटी है कौन सी नहीं टूटी है, या कोई भी चीज़ है उसको ध्यान में रखना चाहिए। खाना बनाती तो भी ज़्यादातर अंजली जल जाती है ना, महीने में एक दो बार सबके साथ होता है ना, हो सकता है सबके साथ होता हो मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन मम्मी वगैरह नहीं जलती थी कभी क्योंकि उनको सब आइडिया था, पता था, या उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ये भी हो सकता है। लेकिन हर चीज़ को ध्यान से करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा देर से हो जाए काम लेकिन प्रॉपर हो और नुकसान नहीं हो किसी भी चीज़ का, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर। तो ये जो सारे डब्बे हैं ना इनको हम फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि जब पैकिंग वगैरह होती है ना तो इन्हें हम पैक करते हैं। ये दो कुछ एक्स्ट्रा फोटोज रखे हैं, इनको मुझे चेंज करवाना है, और इसमें कुछ मेरी ज्वेलरी रखी है जो कि अभी आई है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कांच का सामान रखा हुआ है जैसे ग्लासेस हैं, और ये मेरा बाउल है, इसमें कुछ बाउल हैं छोटे वाले इस तरीके से रख दिया है, और एक ये जो तवा है ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, और ये प्रेस्टीज का है आप देख सकते हैं, तो इसको भी मैं इसी में रख रही हूँ। और इसको मैं कर देती हूँ बंद, और यहाँ कुछ इस तरह से डिटर्जेंट वगैरह ये सारा एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना वो रखा हुआ है, जैसे विम जेल हो गया, फिनाइल हो गया, वाइप्स हो गए हैं इस तरीके से, और नीचे वाला बिल्कुल खाली है अभी, तो इसमें जितना भी कबाड़ा वगैरह जो भी कुछ था ना सब मैंने खाली कर दिया, अच्छे से साफ कर दिया इसको। तो ये है मेरा इडली बनाने का स्टैंड, ये भी ना डब्बे में रखा हुआ था लेकिन उसका डब्बा ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहा था, तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया है और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो चलो ये कवर जो अच्छे से क्लीन हो गया है, और भी कुछ सामान होगा वो मैं इसमें ही रख दूँगी एक्स्ट्रा। और अभी डेली मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे पार्सल रिसीव हो रहे हैं जिनको अच्छे से सैनिटाइज़ करती हूँ और ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि किचन को मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, मैंने कुछ सामान मंगवाया है, तो पहले एक साथ में आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी क्योंकि एक एक करके क्या करना है ना, मैंने सोचा क्योंकि एक एक करके ही मुझे रिसीव हो रहे हैं वो सारे सामान। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नमकीन वाली सेवई, तो उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये मार्केट की हैं, और इनको हल्का सा मैं रोस्ट कर रही हूँ। वैसे रोस्टेड सेवई भी आती है मार्केट में लेकिन मैं थोड़ा सा रोस्ट और कर लेती हूँ, ये रोस्टेड नहीं है वैसे भी, तो मैंने इसको हल्के से ऑयल में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको रोस्ट कर लिया है और एक प्लेट में निकाल दिया। कढ़ाई को फिर से मैंने रख दिया है और ये मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, ये हमारे घर का ही ऑयल है, गांव से लेके आई थी अपने ससुराल से। इसमें थोड़ी सी मैंने सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, और ये मैंने एक बारी कटा हुआ प्याज डाल दिया है, और हरी मिर्च ना बहुत ज़्यादा तीखी है तो मैं सबसे लास्ट में ही डालना पसंद करती हूँ, अगर अभी इस टाइम पे डाल दूँगी ना तो पूरे घर में ना धस फैल जाती है। तो बस यहाँ पर प्याज आप देख सकते हैं भुन गई है, उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ एक आलू बारी कटा हुआ। तो आलू डालने के बाद थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी जिससे आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और इसको मैं ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ जिससे ढकने से ना जल्दी पक जाते हैं। तो ये देखो आलू जो है वो पक चुके हैं, और मतलब 80% पक गए हैं और बाकी के अभी और पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, फ्रोज़न मटर लिए है, हरी मिर्ची, तीनों को साथ में मैंने ऐड कर दिया है, और इसको भी भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली के दाने, और बहुत टेस्टी बनी थी गाइस सच में, ये ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं नमकीन सेवई, हेल्दी भी होती हैं और टेस्टी भी लगती हैं, सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ, मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाएँ क्योंकि बारिश के टाइम में जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बहुत दिन की रखी हुई थी, तो चलो सोचा इनको ख़त्म कर देते हैं आज बना के। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची नहीं डाली मैंने क्योंकि हरी मिर्ची काफ़ी तीखी है, तो बस अच्छे से कर देंगे मिक्स, और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है ना। अभी मैं इसमें डालूंगी पानी, तो ये मैंने एक गिलास पानी डाला है, और शायद मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी डाला था, 1.5 गिलास डाला था, और पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद ये जो सेवई है ना ये इसमें डाल देंगे हाई फ्लेम पे, 2 बॉयल आने तक इनको पहले पका लेंगे, उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ढक कर के रख दूंगी
पाँच से छः मिनट लगेंगे और ये एकदम खिली खिली हमारी नमकीन सेवई बनके तैयार हो जाएंगी, बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए मैंने दो बॉयल आने के बाद गैस को बंद कर दिया था और उसके बाद ये जो सेवई हैं ये बिल्कुल रेडी है। देखो कितनी अच्छी बनी, एकदम खिली खिली बनी है। पानी हिसाब से डालिएगा, अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे ना तो जो सेवई है ना वो गीली हो जाएंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये देखो ये बन के तैयार हैं। आप चाहे तो ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। और बस ये हमारा ब्रेकफास्ट था, चलिए हम लोग कर लेते हैं, आप सब भी कर लीजिए हमारे साथ। सो गाइस अभी हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट किया है और आपको एक चीज़ दिखाऊं, जो मनी प्लांट था ना वो देखो मैंने ना यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ना काफ़ी ये बड़ा हो गया यार, और ये ना मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है इस तरह से। कैसा लग रहा है? बस बड़ा तो हो गया, बस इसमें मनी लगने वाली है मनी इसमें से टपकने वाली है तो इसको मैंने ना यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे किचन में मैंने छोटू सा जो मैंने किया था ना तैयार उसको रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि क्या सोचूँ उसके लिए। इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, जब बाद में मेकओवर करेंगे दिवाली के टाइम पे तो फिर देखेंगे। और ये वाला रूम जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है और अभी वो ना जो हम लेके आए थे ना अब ब्लू कलर देख रहे हो फ्लावर वास, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया है। उसके लिए कुछ लेकर के आना है तब भी उसको तैयार करके रख पाएंगे। तो मैंने बनाई थी नमकीन सेवई, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे पैर में ना दर्द हो रहा है, कल लग गई ना मुझे सच में गाइस बहुत तेज लगी है। वो तो भगवान जी सीधे थे, क्या बोलूँ, भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि और ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि वहाँ पे ना और भी ज़्यादा सामान रखा हुआ था, अगर वो मेरा ऊपर गिर जाता ना तो शायद फिर ब्लड वगैरह भी निकल सकता था। तो देखो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे सूजन है और यहाँ पे भी है, पीछे भी लगी है, आगे चेयर से लगी है, पीछे सिलेंडर से लगी है, इतनी ज़्यादा लग गई, क्या करें यार, बहुत मतलब पता नहीं कैसे भूल चुक हो जाती है और लग जाती है मुझे बहुत तेज। तो अच्छा आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ना जिस दिन से मतलब श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं ना श्राद्धों में ही लगने लग जाता है कि घर बहुत गंदा हो रहा है, घर बहुत गंदा हो रहा है, दिवाली आने वाली है, सफाई करनी है। तो अब तो श्राद्ध चले गए हैं, नवरात्रि 17 अक्टूबर से स्टार्ट है, नवरात्रि लगने वाले हैं। इस बार ना थोड़े से दिन बढ़ गए हैं, वैसे ना जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं और नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार एक महीना बताते हैं कि बढ़ गया है, तो उसकी वजह से नवरात्रि हैं 17 अक्टूबर के, ठीक है। और तो ना मुझे ना घर गंदा गंदा सा लगने लग गया है, तो धीरे धीरे जो है सफाई स्टार्ट कर दी है। जिस दिन मतलब जिस दिन मेरा मन करेगा ना उस दिन मैं क्लीन कर दूंगी। तो अभी मैंने कवर्ड स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले वो वाला हो गया है, तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला जो रखा हुआ है ना इसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि जो बारिश के मौसम में क्या होता है ना जो कपड़े होते हैं ना चाहे इसमें हो या आपके बैग में हो कहीं भी हो इसमें स्मेल सी आने लग जाती है बारिश वाली, तो वो कपड़ों को बाहर निकालना और थोड़ी सी बाहर की धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उनकी जो तय होती है ना उनको फिर से फोल्ड करना, खोल करके ये करने से ना कपड़े जो हैं ठीक रहते हैं क्योंकि बारिश के टाइम पे स्मेल आने ही लग जाती है, तो सारी चीज़ों को सुखाना होता है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे धीरे धीरे मैं अपना, क्योंकि फिर बाद में ना डेकोरेशन का काम रहेगा और दिवाली में तो कितनी सारी तैयारियाँ रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो भी क्लीनिंग वगैरह है ना वो पहले से ही हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर तो तैयारी स्टार्ट ही हो जाएंगी। तो दिवाली आती है तो कितनी खुशी होती है ना, एक घर को साफ करने की भी होती है। और पता है दिवाली आने से पहले 1 से 2 महीने पहले ही आपको ना घर में जाले से दिखने लग जाएंगे, मतलब उससे समझ में आ जाता है कि दिवाली जो है वो आ गई है और सफाई स्टार्ट कर दो भाई तो मैंने तो कर दिया, थोड़ी थोड़ी कर लूंगी और दिवाली तक फिर एक बार और हो जाएगी। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो वाला कवर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसमें से सारा सामान मैंने एक्स्ट्रा वाला फेंक दिया है, बहुत सारा फेंकने के लिए निकाला है मैंने सामान। तो अभी लंच रेडी करना है, तो अभी करूँगी लंच रेडी और क्या, बस यही सब कुछ चल रहा है। तो कल तो मुझे बहुत ज़्यादा लग गई मेरा पैर, मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर के लिए तो चल ही नहीं पा रही थी, मतलब थोड़ी देर के लिए क्या, कल रात को मैं जितना भी चली हूँ ना ऐसे चली हूँ जैसे मेरा पैर टूट गया हो, एक ही पैर से चली हूँ मैं, इतना ज़्यादा उसमें दर्द हो रहा था क्योंकि स्वेलिंग आ गई थी उसमें भी। तो इस तरीके से हो जाता है यार कभी कभी,
मिस्टेक हो जाती है, मुझे पता नहीं था। वहाँ पे दो चेयर रखी हुई थी इनके स्टडी रूम में, एक चेयर ना उसकी वेल्डिंग जो होती ना वो खुल गई है, तो मुझे पता नहीं था कि मैं टूटी वाली चेयर पर ही बैठ रही हूँ। मैंने लाइट भी ऑन नहीं की थी क्योंकि इतना उजाला हो रहा था आसपास से, और जाके मैं सीधी बैठी हूँ तो वो टूटी हुई चेयर थी ना वो सीधा पीछे की साइड को गई, तो पीछे की साइड सिलेंडर रखा है, दिखा ना मैंने आपको स्टोर वहाँ पे स्टडी रूम में सिलेंडर वगैरह कितना सारा सामान रखा है, वहाँ पे जाके मैं गिरी हूँ बहुत तेज और लग गई। चलो फिर मैं अभी मिलती हूँ आपसे, जो धनिया है ना उसको साफ करना है मुझे और भी काम करने हैं, तो अभी आपके साथ और शेयर कर लूंगी मैं। तो ये मेरा दिन भर का रूटीन होने वाला है, तो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, बहुत मेहनत करती हूँ। कल पता है वॉइस ओवर करने के चक्कर में ही मैं गिरी हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइज हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो एकांत में जाके मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और उसके चक्कर में मैं जाके गिर गई। मुझे लगा कि मैं 8 बजे तक आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर दूंगी, फिर मैंने गुस्सा में आकर के फिर किया ही नहीं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। तो ये धनिया लेकर के आए थे, मैंने आपको दिखाया था ना, 2 दिन मैंने इसको अच्छे से धूप लगा दी है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा साफ़ करना है। वैसे तो साफ़ है लेकिन फिर भी इसमें हल्की फुल्की सी लकड़ियाँ रहती हैं ना, तो पतली पतली उसको मैं निकाल रही हूँ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा सा फटकार के झटकार के, और थोड़ा सा इसको हमारे यहाँ पर बीनना बोलते हैं, बीन रही हूँ मैं। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया जो है वो बिन जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर दूंगी, तो इसी तरह से ना धनिया पाउडर बनके तैयार हो जाता है। और घर का बना हुआ सही भी रहता है, हमें पता है कि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ धनिया को ही पीसा हुआ है, और मार्केट में पता नहीं वो लोग क्या क्या मिक्स करके पीस देते हैं, किसी को नहीं पता होता ना, इसलिए मैं ज़्यादातर मसाले मंगा कर ही घर में बनाती हूँ। तो अभी तो बस मैं हल्दी पाउडर ना मार्केट से ले लेती हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर भी मैं घर पर ही बना लूँ, लेकिन उसके लिए ना मेरे पास वो नहीं है, जो बड़ा वाला अदरक जिसमें हम कूटते हैं ना उस तरह से बड़ा वाला होता है, उसमें हल्दी को कूट करके फिर सुखाना फिर उसको पीसना वो इस तरह से होता है, लेकिन हल्दी बहुत कम लगती है मुझे, इसलिए मैं हल्दी का पैकेट ले लेती हूँ। यहाँ पे आपको उसने बोल रही थी ना कि करेले में नमक लगा के रखना है, फिर मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे बनाना नहीं था, सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा करेले इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, करेले फिर भी रह जाएंगे लेकिन और सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने पहले उनको बनाया फिर इसमें मैंने नमक लगा के नहीं रखा था। तो आज फाइनली मैं इसको अच्छे से पहले पील कर रही हूँ और इसमें नमक लगा के रखूँगी। इनके जो छिलके हैं ना उनको फेंकना नहीं होता है, आप देख सकते हैं मैंने ना बीजे निकाल दिए हैं, बहुत बड़े बड़े बीजे थे, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते बीजे खाने में, तो मैंने थोड़े बहुत निकाल दिए, थोड़े बहुत रह गए हैं। ऊपर से मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है, इनको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी और इवनिंग में बनाऊंगी मैं, तो इसकी रेसिपी शूट कर लूँगी, आप सबके साथ भी शेयर कर दूँगी। मैं ये भरवा करेले ही नहीं बनाती हूँ, खट्टे मीठे बना रही हूँ, वही आपके साथ शेयर करूँगी, कभी मैं भरवा करेले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, मतलब अंधेरा हो गया है, और मैं यहाँ पे जो धनिया है ना उसको पीसने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मिक्सर भी अपना लगा लिया है, वैसे मैं किचन में ही कर लेती लेकिन काफ़ी टाइम तक खड़े रहना पड़ता और मेरे पैर में दर्द है ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि बैठ के आराम से मैं यहाँ पे कर लूँगी ये काम, इसलिए मैंने बोर्ड लगाया फिर यहाँ पे मिक्सर लगाया, क्योंकि इतना बड़ा वायर नहीं है कि वो बोर्ड तक जा सके, वैसे मैं इसको किचन में खड़े होकर के भी कर सकती थी, फिर मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाई देती हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा है ना धनिया, 1/2 किलो धनिया लेकर के आए थे, मतलब 500 ग्राम, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पीसूँगी, अगर आप एक बार में सारा पीसने की कोशिश करेंगे तो वो मोटा रह जाएगा, सही से नहीं पीस पाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना महीन हो गया है ये, इसी तरह से हमको धनिया पाउडर बनाना है, आपको कम ज़्यादा करके मिक्सर को चलाते रहना है, थोड़ा सा अगर मिक्सर गर्म हो जाए ना तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरह से मैं धनिया पाउडर बना के तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में मैंने बना लिया था और ये बनके तैयार हो गया है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है ना। आप सभी के लिए तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो घर में आप भी इसी तरह से धनिया पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, इंडियन यूट्यूबर शुरांजलि। तो चलिए फिर फाइनली बाय बाय बोलती हूँ, बहुत बातें करती हूँ ना यार, चलिए बाय, लव यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।